तो हमारे सहयोगी प्रशांत इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, आपने तस्वीरें दिखाई और इस तरह की बात निशिकांत दुबे लगातार ट्वीट कर ये दावा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्रतिमा है सुबोध कांत सहाय, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हम उनसे भी ये सवाल पूछेंगे। लेकिन पहले सुबोध कांत जी, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पहले ये बताइए कि आपको भी क्या कितना इंतज़ार है, क्या आप भी इंतज़ार कर रहे हैं राज्यपाल के फैसले का, और ये देरी क्यों हो रही है? ये हम लोगों के समझ के परे है। सस्पेंस एक सरकार है, उसको इतना लंबा सस्पेंस में रखिएगा तो उसके कार्यकलाप पे असर होता है। वैसे झारखंड में तो पिछले 6-8 महीने से सरकार को नहीं चलने देने का जितना भी प्रक्रिया हो सकता है पूरा किया जा रहा है, लेकिन ये संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन और राज्यपाल भवन गवर्नर हाउस, इन दोनों के बीच में ये सस्पेंस बना हुआ है और जितना तरह के स्पेकुलेशन हो सकता है भाजपा के लोग अपना वर्डिक देते जा रहे हैं। ये एक बहुत मतलब अपने आप में, जो लोग कुछ भी व्यवस्था रहने देना चाहते हैं उनको कम से कम दिस वे और दैट वे अपना फैसला देना चाहिए। हम लोग तो मेंटली हर चीज़ के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हर चीज़ के लिए तैयार मतलब सरकार जाने की भी क्या स्थिति आ सकती है? सरकार सुरक्षित है आपकी प्रदेश में? सरकार जाने का कोई सवाल तो नहीं है, फिलहाल मुख्यमंत्री पे ही तो बहस है, उनके मेंबरशिप पे बहस है। और वो भी मैं आपको बताऊं, एज ए लेमैन जितना मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है कि माइनिंग जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है, ये बकायदा क्लियर जजमेंट है। अब उसका क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन और क्या गवर्नर हाउस कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। मैंने सरकार के बारे में इसलिए पूछा सर कि क्योंकि कांग्रेस के ही विधायकों पर बार बार सबकी नजर जा रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक एकजुट नहीं है। तोड़ने का जो संख्या होता है ना वो छोटी पार्टियों के, तो कांग्रेस और जेएमएम के बीच में ये लोग अपना डोरा तो हर पे चला रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 2.5-3 साल से जब से सरकार बनी है ये चल रहा है। हर लोग को अटेम्प्ट किया गया है यार, हर लोग को। अभी भी बीजेपी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है? वो बाज थोड़ी आएगी, वो बाज नहीं आएगी, लेकिन सफल नहीं होगी, इतना मैं दावा के साथ कर नहीं। अभी चूंकि एक तस्वीर आई, अभी हेमंत सोरेन के घर पे विधायकों की बैठक है, गठबंधन के विधायकों की, उसमें कई विधायक अपने अपने बैग लेकर आ रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहा है कि कहीं विधायकों को कहीं और शिफ्ट तो नहीं किया जा रहा है? चर्चा यह थी कि छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसी कोई बातचीत नहीं है अभी, कहीं शिफ्टिंग हो रही है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यूपीए का ये गठबंधन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अब आप एक पूरी केंद्र सरकार, आपने देखा कि कितने सरकारों को इन्होंने खरीद के गिरा दिया, ये एकदम इतिहास है। हम कहाँ 75वां वर्ष मना रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी जी का ये भी एक जनतांत्रिक पद्धति का इतिहास। झारखंड में भी आपको ये डर लग रहा है कि झारखंड में ये प्रक्रिया चालू है? ये हम इसको आपको मैं बहुत ठोस तौर पे कहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ सफल नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आरोप कांग्रेस पहले से लगा रही है, गठबंधन यहाँ पे जेएमएम और बाकी पार्टियां भी लगा रही हैं कि बीजेपी पहले से ही सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर भी ये कोशिश जारी है, लेकिन यहाँ पर वो सफल नहीं होंगे। सुबोध कांत सहाय आपने सुना, ये दावा कर रहे हैं कि एकजुट है और सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।